इतना जिंजर है, जिंजर अदरक। हाँ हाँ अदरक है। तो उसको ना प्यार से कद्दूकस कर लियो बारीक, और एक हरी मिर्च काट लियो छोटे 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 पीसेस में, और ऊपर से पिसा हुआ धनिया ऐड कर लियो। अंडा वैसे ही फेंटा ना जैसे मैंने बताया था। जी जी वैसे ही फेंट रहा हूँ। वेरी गुड। पुलिस वाला है तो कुछ भी सिखाएगा मुझे। अरे जितनी इसको उम्र है ना इससे ज्यादा तो मुझे तजुर्बा है, अब ये सिखाएगा मुझे अंडा फेंटना। अरे यो कौन है सुबह सुबह? गरिमा जी। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। आज इतना सुबह सुबह कहीं सपने में तो ना आया था मैं? यार कौन सी प्लेनेट से आया है, सुबह सुबह फ्लर्ट कर रहा है, तू ही बात कर। पर वो से भी मैं ही बात करूँ, इससे भी मैं ही बात करूँ, मैं नहीं करी, तू कर। ना फाइट करने की जरूरत ना है। मेरी मानिए तो सुशीला जी को मुझसे दूर ही रखिए। आई एम जस्ट गुड विद टॉकिंग विद यू गरिमा जी। पापा हाथी बजर गए, एक राउंड मार सकते तो मार लो। जी जी जी, जी? आपने ही कहा था ना हाथी बाजार से दूर रहने को खतरा है, तो पापा पुत्तू को लेकर हाथी बाजार गए हैं, हो सके तो एक राउंड मार लो। ना गरिमा जी समझ ना आया, ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट? प्लीज। ओ तेरी, ना खासी टेंशन में है। प्लीज बोल दिया, आपकी पर्सनालिटी पे सूट ना होता वैसे गरिमा जी। वैसे एक राउंड तो मैं मार ही लूंगा, लेकिन वो बाटर सिस्टम वाली बात तो याद है ना आपको, एक हाथ लेना एक हाथ देना। सो What can you give me today? Rent पे रूम छोड़ के और कुछ भी मांग लो। ना रूम तो छोड़ो गरिमा जी, वो तो मैं धर्मपाल जी से सेट करवा ही लूंगा। आप तो बस मेरे साथ डिनर पे चल लो एक दिन। वैसे भी आप ना रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे। अरे गरिमा जी काट दिया। क्यों हुआ? हो जाएगा लगता है। अब तो आपको मानना पड़ेगा धर्मपाल जी, इंस्पेक्टर अग्नि सही कह रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको। आपने गौर से देखा इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं पर किसी की हिम्मत ना हुई मेरे रास्ते में आने की। जो हत्ती बाजार मेरा है, इनकी नब्ज पर मेरा हाथ है। वैसे इनकी कोई दुश्मनी ना है मेरे से, वो तो बस इतना चाहते है कि मेरी छोरिया काटेलाल एंड सन्स ना चलाए। वैसे चाहता तो मैं भी यही हूं,
बाबूजी। अरे खोल दे, आ रहने दे, तू खोल दे इसे। बाजार है इंस्पेक्टर साहब, और धर्मपाल यहाँ का शेर है, शेर जिसे इस बाजार में किसी के प्रोटेक्शन की कोई जरूरत ना है। ना धर्मपाल जी, मानना तो पड़ेगा, जो लोग कल यहाँ पे आके तोड़फोड़ कर रहे थे उनकी जुबान से एक बोलना निकल रहा, दबदबा तो है आपका इस मार्केट में। वाह, चलिए ठीक है, चलता हूँ। अरे तू खोया खोया रहेगा के, साफ सफाई नहीं करनी, चल। कंफर्ट करिए ब्रो। पूरी दुकान तोड़फोड़ कर दी। बाऊजी मन्ने माफ कर दो, मैंने वो हाथी बाजार वालों को रोकने की कोशिश की थी, पर वो मने रोंद के दुकान के अंदर घुसा है, बम्बू लेके आए थे वो, ज्यादा बोल बोल करता ना धर देते मने। मने तो अभी तक विश्वास ना हो रहा कि वो गरिमा दीदी और सुशीला दीदी गुन्नू से तू है। पर बाबूजी मैं सच कहूँ, शुरू शुरू में मने शक हुआ था कि कुछ ठीक ना लग रहा, पर फिर आपने उनको बेटा बना लिया तो मैंने भी अपने दिल को समझा दिया। पर एक बात कहूँ, शक करना गलत था पर शक बिल्कुल सही था। रे कल गरिमा सुशीला को भी कहा था, आज तुझे भी कह रहा हूँ फिट करी। अजय हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, जो एक बार जो होया है वो दोबारा ना होएगा। अब बढ़िया हुआ। ये क्या है, हटा इसे। हाँ। और इसे अच्छे से पेंट भी कर देना। छोरियों ने दुकान की पुरानी मर्यादा को तोड़ा, लक्ष्मण रेखा को भी पार किया, उन्हें नादान समझकर माफ कर देना माता रानी। जो धर्मपाल वादा करता है, काटेलाल एंड सन्स फिर उसी बुलंदी पर होगा। आज किसी को ना भेजना हनुमान जी, नो कस्टमर वांटेड। भौजी आपके आते ही सब पहले जैसा हो गया, पूजा खत्म होते ही पहला कस्टमर हाजिर। गुन्नू सत्तू ना दिख रहे हैं? गुन्नू सत्तू ना है, अब धर्मपाल है। अबे टूटे हुए हाथों से बाल कैसे काटोगे धर्मपाल जी? बाल काटेगा, इस काटेलाल एंड सन्स का सुनहरा भविष्य मेरा भतीजा पुत्तू काटेगा। बाऊजी बाल तो हमेशा गुन्नू काटता था, मैंने मालूम है, पर पुत्तू के हाथों में भी हुनर है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ क्यों पुत्तू? अरे पुत्तू इधर उधर क्यों देख रहा है, तेरी भी बात सुनी जाएगी, पहले बाल तो काट। आई आई तो। हाँ यस यस ताऊ जी। ब्रो इतने टाइम पहले कटवाए थे बाल, महीने भर हो गए। नहीं नहीं ऐसे
पीट कर ही उतरा देना। मेरा मतलब कैची देना, कंघी भी देना, वो स्प्रे भी देना। तू बाल काट रहा है कि घास छील रहा है? ऐसे पकड़ते कैची? उस दिन तो खचाखच काट रहा था, आज क्या हुआ तुझे? आओ जी, वो बाल ना, मेरा मतलब वो मैं ना था, वो बिहाइंड द सीन, वो गरिमा दीदी थी। तो जी क्या कर क्या रही हो पापा? गर्दन सीधी रखो ना, ओला चकर चका जाएगी। ना, अब आज ना हो पाएगा इनसे। अरे भाई साहब सुनो तो सही, अरे चाय तो पी लो। सॉरी दाउनी, दाउनी सर सॉरी। दाउनी, दाउनी बाल के पास ना आई हो, हेयर कटिंग वाला टैलेंट मेरे से ना चल पाएगी। वो काटेलाल एंड सन्स, वो हेयर कटिंग का टैलेंट तो दीदियों के पास है। अगर काटेलाल एंड सन्स सिलवानी है ना, तो उन्हें तो बुलाना पड़ेगा ना ताऊ जी। धर्मपाल जी, आपकी दुकान आपके वारिस पुत्रपाल कांटेलाल रोहेल के नाम हो गई। पेपर दिखाइए। ये लीजिए। पेपर कैसे फाड़ रहे हो? इन पेपर्स का कोई फायदा नहीं वकील साहब, क्योंकि काटेलाल एंड सन्स का कोई सन ही ना है। आप हाथी बाजार किनाव ना वकील साहब, अरे आपको पता ना है इतने दिनों से यो दुकान मेरी छोरियों ने चलाई। आप एक काम करो गिर साहब, ये पेपर दोबारा बना दो, मैं ये दुकान अपनी छोरियों के नाम करता हूं। ले हुनर तो उन्हीं में है। एक और काम करो वकील साहब, ये दुकान का नाम चेंज करने के लिए दूसरे पेपर बनाओ, काटेलाल एंड टॉटर्स कर दो। यूं क्यों हो गया पापा को? सदमा, बहन से सदमा कहते हैं। एक
गुड यस ताऊ जी गुड वेरी वेरी गुड गुड मेरा खर्चा अलग करा दिया आपने मैसेज भेजता हूँ पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा I beg to say, Tauji, I know Waris of Kaatelal and Sons. They do, wo dono Waris hai, Kaatelal and Sons ki Garima Sushila Didi. असली वारिस वही है ना बुलाओ ने पापा अरे अरे ताऊजी 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 रुक हेलो छोटा टी पापा कटिंग कास्ट कम फास्ट व्हाट क्या कह रही हो पापा प्लास्टर काट रहे हैं अपने आप जल्दी आओ तू भी रुक ना ऐसे कैसे रोक रहे हो पापा जी हमें छोरी आया हम आपकी और ये मेरा भतीजा जानकारी के लिए शुक्रिया अब तुम तीनों भाई बहन घर का रास्ता पकड़ लो और घर जाके ध्यान से पढ़ाई करो मने तुम तीनों की कोई जरूरत ना है काटेलाल एंड सन्स धर्मपाल चलाता था और धर्मपाल ही चलाएगा पहले की तरह पापा आप क्यों जिद कर रहे हो पहले भी हम चला रहे थे ना काटेलाल एंड सन्स आगे भी चला लेंगे एकदम सही से हमारी मेहनत मिली हुई इसमें तुम्हारी नहीं गुन्नू सत्तू की छोरों की नहीं छोटे बाल और टी शर्ट और पैंट को ही छोरा कह रहे हो ना पापा जी तो बाल तो अब भी छोटे हैं ना पहले कहते थे कि टाइम पे आओ अब कह रहे हो आओ ही मत प्लीज आने दो ना पापा अरे धर्मपाल नौटंकी की टिकट ही लगा देता अरे इस ड्रामे का नाम के रखा धर्मपाल है अरे पहले खाई छोरियों की कमाई और अब कहता है कि आप बताई नहीं पैसों का भी जेंडर हो गया अंकल न कमाई बेटे की हो या बेटी की 2000 का नोट तो गुलाबी होता है ना बेटे की कमाई वाला नोट सतरंगी तो ना हो जाता ना अरे बैल बुद्धि कितनी बार समझाया तने हाथी बाजार में किसी को उल्टा जवाब ना देना है मने किसी के साथ झगड़ा ना करना यार मने भी यही हाथी बाजार में काम करना है तमने भी करना है मैं इन छोरियों की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ जो हो गया सो हो गया अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा होगा धर्मपाल जी अब तो आप डॉक्टर भी बन गए मुझे क्या पता था कि यहाँ हाथी बाजार में डॉक्टर की डिग्री भी मिलती है मैं तो लंदन बेकार ही गया फिर Who gave you the permission to remove your plaster? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब इसका फैसला आप नहीं करेंगे मैं करूंगा आई एम द डॉक्टर आइए बैठे यहाँ पे आप आइए
ना डॉक्टर साहब ने भी ना सही पॉइंट पे एंट्री मारी है। मन ने तो लाग ही रहा था, ड्रामा बथेरा हो गया। अरे धर्मपाल, अब दो घड़ी तू चैन से बैठ जा और सच का सामना कर ले। अब तू ना तू इतना बड़ा ड्रामेबाज निकलेगा धर्मपाल, यो तो मैंने कभी सपने में भी ना सोची थी। तुमसे यो उम्मीद ना थी धर्मपाल। बकवास कर रहे हो तुम तीनों ना। जिस पर्दे पे तू हमें पिक्चर दिखाना चाहता है ना, उस पर्दे के आर पर हम देख चुके हैं। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे धर्मपाल, तू कभी हाथी बाजार का बुरा ना सोचेगा, पर तूने अपनी छोरियों के साथ मिलकर जो ड्रामा किया ना धर्मपाल, भाई वाह, कमाल कर दिया धर्मपाल, वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.